दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। हिंदू धर्म के पुराणों में साफ साफ बताया है कि नग्न अवस्था में क्या क्या नहीं करना चाहिए। शास्त्रों और पुराणों हमें जीवन जीने का सही तरीका बताते हैं। इंसान को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इनमें खान पान से लेकर वस्त्र धारण करने तक के सभी नियम शामिल हैं। विष्णु पुराण में भी कुछ ऐसी ही नियमों का जिक्र किया गया है, जिससे हमारी दिनचर्या से आपने ऊर्जा पर भी असर पड़ता है। ऐसे में शास्त्रों में उल्लिखित कुछ नियमों को जानना जरूरी है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि निर्वस्त्र होकर कौन से काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए। विष्णु पुराण में बताया गया है कि मनुष्य को 3 समय पर निर्वस्त्र नहीं रहना चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार 7 सोते समय मनुष्य को निर्वस्त्र नहीं रहना चाहिए। ऐसा करने से रात्रि के देवता चंद्रमा का अपमान होता है। ऐसी भी मान्यता है कि रात के समय पितृगण अपने परिजनों को देखने आते रहते हैं। अपने परिजनों को निर्वस्त्र देखकर उन्हें कष्ट होता है। विष्णु पुराण के 12वें अध्याय में भी कहा गया है कि स्नान के समय भी मनुष्य को निर्वस्त्र नहीं होना चाहिए। इसका संबंध श्री कृष्ण के बाल कांड से जोड़कर देखा जाता है। जब श्री कृष्ण गोपियों के वस्त्र लेकर भाग जाते थे तो गोपियां निर्वस्त्र होकर नदी में स्नान करती थी। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं में यही संदेश दिया था कि मनुष्य को स्नान के समय निर्वस्त्र नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इससे जल देवता का अपमान होता है। पुराण के अनुसार मनुष्य को संभोग करते समय भी निर्वस्त्र नहीं होना चाहिए। माना जाता है कि बिना वस्त्र संभोग करने से बहुत बड़ा पाप लगता है, लेकिन यह सिर्फ मान्यता है जो झूठी भी हो सकती है। विष्णु पुराण के अनुसार मनुष्य को आचमन करते वक्त भी निर्वस्त्र नहीं रहना चाहिए। पूजा करते समय बिना सिले हुए धोए हुए वस्त्र धारण करने का विधान है, क्योंकि सिलाई सांसारिक मोह माया के बंधन का प्रतीक होती है। भगवान की भक्ति बंधन के एहसास से मुक्त होकर करनी चाहिए। घर में कभी निर्वस्त्र होकर घूमना नहीं चाहिए, इससे गृहदेव नाराज हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। और आप हमारे चैनल पे नए हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हम मोटिवेट होते हैं और हमें प्रेरणा मिलती है। इसी के साथ अब मुझे इजाजत दे, मैं फिर लौटूंगा ऐसी ही कुछ और धार्मिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें। धन्यवाद।